स्वागत है आपका, मैं साक्षी गुप्ता। आइए आपको ले चलते हैं देश दुनिया की तमाम 25 खबरों पर। मुंबई से फिर मजदूरों का पलायन, पुलिस ने डंडे बरसाए, लेकिन यूपी बिहार के मजदूर रात भर स्टेशन पर डटे रहे, बोले लॉकडाउन लगा तो यहां भूखे मर जाएंगे। जवेद हबीब का महिला के सिर पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर जवेद हबीब बोले मुझे माफ करो, कल यूपी में दर्ज हुई थी FIR। देश में तीसरी लहर में पहली बार 1.17 लाख नए केस मिले, 302 की मौत हुई, 7 दिन में 5 गुना हुए नए संक्रमित। दुनिया में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 25 लाख केस हुए, WHO की चीफ की चेतावनी, जानलेवा है ओमिक्रॉन, इसे हल्के में ना ली। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर ऐसी की सुनवाई, पंजाब के गृह सचिव पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक कार्यवाही पर रोक लगाई। कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, भारत के 90% लोगों को एक डोज लग चुकी है, सबने मिलकर देश को शून्य से शिखर पर पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्पीड दुगनी, पिछले 24 घंटे में 1320 नए केस आए सामने, भोपाल में 246 संक्रमित। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई, कोर्ट ने नीट PG में 27% OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की मंजूरी दी। जांजगीर और कोरबा में भी नाइट कर्फ्यू लागू, स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद, रेस्टोरेंट और होटल 1/3 की क्षमता के साथ खुलेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच शुरू हुई, केंद्रीय जांच टीम फिरोजपुर पहुंची, काफिला रोकने वाली जगह के BSF कैफ पहुंचे अफसर। राजधानी के 50% हिस्से में कोरोना फैला, जम्बूरी मैदान में विज्ञान मेले के इनोगेशन में नहीं पहुंचे गवर्नर, कैंसिल होगा मेला। भोपाल में कोरोना के 54 मरीज लापता, 8 मरीजों ने RT-PCR टेस्ट फॉर्म में गलत नंबर दिए, लापता मरीजों में 34 पुरुष और 20 महिला। मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन, प्रदेश में बिना मास्क पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ऐलान। 9 माह बाद देश में कोरोना मरीज फिर बढ़े, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए केस मिले, 51,000 पॉजिटिव केस सिर्फ महाराष्ट्र दिल्ली से सामने आए। दिल्ली में कोरोना को लेकर एम्स की तैयारी, रूटीन भर्ती पर रोक, गैर जरूरी सर्जरी भी बंद। भारत में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 3,007 पहुंची, इसमें से 1,199 ओमिक्रॉन मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों में राज्य के अलग अलग अस्पतालों के 338 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए। प्रयागराज में 24 घंटे में 70 लोग कोरोना संक्रमित आए सामने, जिले में अब तक 307 एक्टिव केस। भारत में 150 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा, पीएम मोदी आज स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों से करेंगे चर्चा। झारखंड में कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे, एक दिन में 3,704 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। बेअदबी केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा, पीएम का दौरा संभाल नहीं पाए, अगर पंजाब में राम रहीम को लाए तो कैसे संभालेंगे। देश की गौरव रेसलर शिवानी पवार का गृह आगमन हुआ, परासिया विधायक ने किया स्वागत। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन या कर्फ्यू, गृह विभाग के पास नहीं आया कोई प्रस्ताव। सरकार ने नया कानून बनाया, 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को हो सकती है 12 साल तक की जेल। इसराइल में एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना केस, सरकार चौथी डोज देने की तैयारी कर रही है।